करना पड़ेगा ना डूड, डोंट बी रूड। ये होमवर्क जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक हम टीवी नहीं देख सकते। ओ जी रोहन जी, तो आपको पहले खत्म कर लेना चाहिए था जी। अरे हाँ, पर पहले मैच आ रहा था ना, और अब हमारी फेवरेट मूवी आ रही है। डूड जल्दी करो ना। ये क्या है? होमवर्क। अरे हाँ, पर ये ऐसा कैसा होमवर्क है? माता जी, ये शॉर्ट हैंड में लिखा है। डोंट वरी, मिस्टर सर समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब हम टीवी देखें? नहीं माता जी, ये ज्यादती है। हाँ, टीवी देखना हमारा हक है। साडा हक। एक महीने तक नो टीवी। अरे मैं तो ऐसे ही गा रहा था। माता जी नाराज क्यों हो रही है? अरे पर ये तो चीटिंग है। अच्छा, और ये चीटिंग नहीं जो आपने होमवर्क किया है? चलिए जाइए और फिनिश कीजिए प्रॉपरली। ये तो गलत बात है। अबे चपड़ गंजो, ये माता जी का घर है तो उनके रूल्स हैं। हाँ जी रोहन जी, बड़ों की बात माननी चाहिए। अरे हाँ, पर उनको भी तो समझना चाहिए हमारी लाइफ कितनी मुश्किल है। डूड, तो चलो समझाते हैं। रोज सवेरे है स्कूल की मार, घर पे होमवर्क का अंबार, बच्चे है कोई बैल नहीं, थोड़ा कम बोझ डालो ना यार। This is not fair, हमारी कोई सुनता नहीं। This is too much, हमारे राइट है या नहीं। हमें भी चाहिए थोड़ा आराम, बच्चे हर दम क्यों करे सारा काम। बोलो, tell me why, हमारी लाइफ है tough, बहुत हुआ enough। अरे उठते हो, खाते हो, पीते हो, बस बीच में कभी कभी स्कूल चले जाते हो, यस। होमवर्क तो कितना मुश्किल से होता है, घर के काम सुन के हर बच्चा सोता है। Hey, this is not fair, this is not fair, हमारी लाइफ भी है हार्ड, थोड़ा तो समझो, ऑफिस जाना है पहाड़, हमारी लाइफ है टफ, बहुत हुआ इनफ, 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 इनफ। अरे छोड़ो आपकी बातें, लाइफ हमारी है टफ, नहीं देने पड़ते आपको कोई टेस्ट, नहीं बनना पड़ता आपको स्कूल में बेस्ट। अच्छा जी, कभी खुद एक दिन चला लो घर, हो जाओगे परेशान, पकड़ोगे अपना सर। हमारी लाइफ है टफ, हमारी लाइफ है टफ, हमारी लाइफ है टफ, हमारी लाइफ है टफ। ओके, तो डिसाइड कर लेते हैं। एक वीक के लिए आप बनेंगे हम और हम बनेंगे आप। क्या मतलब? मतलब टेस्ट हो जाए। मिस्टर एंड मिसेस तेंदुलकर, ये क्या मजाक है?
मजाक नहीं है सर, ये तो एक्सपेरिमेंट है। इनको बताने के लिए कि हम बच्चों की लाइफ कितनी टफ है। आप पढ़ाते रहिए। ए, ए, I mean, अंकल, आंटी, आपने होमवर्क किया क्या? हाँ, ये लो। विश्वास नहीं होता, रोहन आपका बेटा है। कहा आप और कहा वो, कुछ पड़ता नहीं है। डूड, डोंट बी रूड। एक दिन में ही अपने दोस्त को बेच रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बस इनको मस्का मार रहा था। क्या पता मेरा होमवर्क भी कर दे। ओके क्लास, आज है सरप्राइज टेस्ट। मुझे तो अपने स्कूल में भी सरप्राइज टेस्ट अच्छे नहीं लगते थे, अब फिर से। इज्जत का सवाल है, शोर मत करो। आप लोग टिफिन में क्या लाए? टिफिन? टिफिन तो हम लाए नहीं। क्यों? क्योंकि रोहन और कीमोन ने बनाया ही नहीं। वेरी बैड कीमोन, कभी इन्होंने तुम्हें खाली हाथ और भूखे पेट भेजा है जो तुमने उनके साथ ऐसा किया? डूड, तुम्हारे दोस्त हम हैं या ये? अरे समझा करो यार, इनका टिफिन तो कितना भरा होगा। शेयर करेंगे तो मेरा तो हफ्ते भर का खाना हो जाएगा, इसलिए तो मस्का मार रहा हूँ। लो, मार वाला आ ही गया। अरे डर के भाग गया बच्चू। सही है, रोहन के जगह इसके मम्मी दादी को ही आना चाहिए स्कूल। पर रोहन को मेरे ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अरे तेंदुलकर साहब, आप इतने छोटे कैसे हो गए? वैसे ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपके छोटे मियाँ को भी तो पता चले आपके डैड कितना काम करते हैं, हैं? लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे तो ये पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। तो फिर अपने डैड से पूछ लीजिए, नहीं तो आज की आपकी सैलरी कट। प्लीज सर, बता दीजिए ना। अरे बस साइन ही तो करना है। ओ साइन, ठीक है। डूड, खाना? अरे क्या खाना, मैं तो पूरे दिन ऑफिस में था, खाना बनाना तो तुम्हारा काम है ना। मैं तो इनको स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा रहा था। तुम दोनों लड़ना बंद करो, भूख लगी है, बहाने मत बनाओ, खाना बनाओ। अप्पल पप्पल चप्पल चाट, टॉयलेट में सुन लो मेरी बात। खाना बन रहा है, तब तक होमवर्क फिनिश कर लीजिए, जाइए। अरे मैंने कॉलेज छोड़ते वक्त बोला था कभी वापस इस चंगुल में नहीं फंसूंगा, फिर फंस गया। हाँ, इससे आसान तो खाना बनाना है, एटलीस्ट बीच में टीवी तो देख सकते हैं। The first Prime Minister of India was Jawaharlal Nehru. India got independence on 15th August 1947. खामोश! अरे क्या कलयुग है, अपने ही माँ बाप पर जुल्म कर रहे हो। डूड, डोंट बी रूड। दोनों साइड को सबक सीखने के लिए और कोई तरीका नहीं है। और वैसे भी जब उनको पता चलेगा हमारी लाइफ कितनी टफ है, ये हमें थोड़ा बेटर ट्रीट करेंगे। इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, मुझे आइसक्रीम खानी है। माताजी, डैड, अब तो ये चीटिंग है, आप जानबूझ के ये सब बोल रहे हो ना। अरे नहीं, हम तो बस तुम्हारी तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, हमें ये नहीं खाना, पिज्जा और बर्गर ही खाना है। ओके, तो हम आपकी तरह बिहेव करते हैं। अगर खाना नहीं खाना तो मिल्क एंड फ्रूट्स, रिमेम्बर? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ मॉम? डैड, क्या हुआ? भूख लगी है बहुत जोर से। मैंने कभी तुम लोगों को मना किया है क्या? पॉइंट तो है। वाह वाह, अरे वाह, और चाहिए। डूड, ये क्या, आटा खत्म हो रहा है। अरे आटा क्या, रात खत्म हो रही है, अब हम सोएंगे कब? बेटा थोड़ी सी देर सोना और फिर वापस हमें तैयार करने के लिए उठाना। वेलकम टू बड़ों की दुनिया। ओह नो,
अबे उठ जाओ चपड़ गंजो। अरे स्कूल बस तो कब की चली गई? इनको तैयार कौन करेगा? मेरी अम्मा। डूड चलो उठाओ दोनों को। हमको चेंज नहीं करना और स्कूल भी नहीं जाना। हाँ ऐसा थोड़ी अलाउड है। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। नहीं अगर आप लोगों को तैयार नहीं होना है तो ठीक है जाइए ऐसे ही स्कूल, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। बधाई हो डूड, बच्चे स्कूल चले गए। चलो अब नींद पूरी कर लेते हैं। हेलो रोहन, तुम्हारे लिए। हेलो हाँ ओके। सुनो मुझे नौकरी से निकाल दिया, कल जो पेपर साइन किए थे वो गलत थे और आज बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी ले ली। ओके गुड नाइट। सॉरी मिस्टर एंड मिसेस तेंदुलकर बट फेल। हम फेल हो गए? ए, तुम लोगों को मैनर्स नहीं है क्या? अरे तो ये दोनों इतने बड़े होने के बाद भी फेल हो गए। आपका ये एक्सपेरिमेंट हम सब पे भारी पड़ रहा है। आई थिंक आपके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। सर वो तो बहुत दूर रहते हैं, ट्रेन या फ्लाइट से आना पड़ेगा। 2-3 दिन लग जाएंगे। तो फिर आपके गार्डियंस को बुलाना पड़ेगा। हेलो उठो, इनको आप यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनाते, ये टिफिन नहीं लाते। हेलो हेलो उठो, होमवर्क नहीं करते। हेलो कैसे आप टेस्ट में फेल होते हैं? फेल? माताजी और डैड फेल हो गए? अरे बेटा हमें क्या पता था तुम लोगों की पढ़ाई इतनी टफ है। साइलेंस, अगर अगली बार इनके खराब मार्क्स आए या ये गंदे कपड़ों में स्कूल आए तो मैं आप लोगों की कंप्लेन स्कूल बोर्ड में कर दूंगा। माताजी, डैड हम लोग दोनों सॉरी हैं। हमें नहीं पता था आप लोगों को हमारी वजह से इतना सुनना पड़ता है। और बेटा हम भी भूल गए थे कि स्कूल लाइफ इज टफ। तो चलो आज से हम सब एक दूसरे के बारे में जरा सोच कर काम करेंगे। ओके ये चलो भाई जल्दी घर चलो, मैं सेकंड हाफ में तो ऑफिस चला जाऊं। वो डैड आपकी नौकरी तो चली गई तो आराम से ही घर जाते हैं या फिर स्कूल में ही रह सकते हैं। क्या रोहन आपने भी तो फेल होकर मेरा नाम खराब किया। हमारा नाम तो ऑलरेडी फेल होने से खराब है, भागो। Keymon Ache in the house. All the cool kids shout. Keymon Ache.